नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है, वैसे वैसे बीमारियों का घर में दाखिला बढ़ता जा रहा है। इस बारिश के मौसम का सबसे ज़्यादा असर बच्चों में काफ़ी दिखता है। माता पिता को भी यही चिंता सताती रहती है कि इस मौसम में अपने बच्चे को कैसे इन सबसे बचाया जाए। इस सबको ध्यान में रखते हुए राजेंद्र मुरथलिया जी के सानिध्य में अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली और इंद्रप्रस्थ एजुकेशन रिसर्च व चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 13 जुलाई को अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा स्वाइन फ्लू का एक कैंप जे कॉलोनी रोहिणी के सेक्टर 26 में 5 साल से 18 साल के बच्चों के लिए निशुल्क इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन यानी स्वाइन फ्लू टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में तकरीबन 70 से 75 बच्चों को यह टीका लगाया गया। इस कैंप को राजेंद्र मुरथलिया और देवेंद्र तायल, मुस्कान सेवा समिति की देख रेख और डॉक्टर रवि किशोर MBBS MD के नेतृत्व में आयोजित कराया गया। इस बदलते मौसम में इस टीके के अनेक फायदे हैं। इस टीके के लगने के बाद छोटी छोटी मौसमी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, दमा जैसी अनेक बीमारियों से बचाया जा सकता है और शरीर में उनके अनेक प्रकार के होने वाली बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली के चेयरमैन राजेंद्र मुरथलिया जी की जमकर तारीफ की और कैंप के समापन पर संस्था के चेयरमैन राजेंद्र मुरथलिया जी ने भी यहां के लोगों का सहयोग देने के लिए और तेलुस इंटरनेशनल जिन्होंने इस कैंप को स्पॉन्सर किया, सभी को तहे दिल से शुक्रिया किया। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा से कुछ ना कुछ करके आया है और अभी पिछले कई दिनों से वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आज रोहिणी के जो जे कॉलोनी आप लगा रहे हैं सेक्टर 26 में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम 5 दिन से लगातार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की के कैंप लगाते जा रहे हैं। हर जगह हमारे को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारा ये लास्ट कैंप है। ये हमने जे कॉलोनी में लगाने की सोची, जो यहाँ 26 सेक्टर की जे कॉलोनी है, इसी के अंदर ये लगाया जा रहा है। इस तरह के कैंप मैं ये पहली बार लगाया हूँ, वैक्सीन के कैंप जो हैं। इससे पहले तो हम स्वास्थ्य पे, आँखों पे, इन चीज़ों पे काम करते रहे, लेकिन जितना रिस्पॉन्स इसका मिला और कोई कैंप का इतना नहीं मिलता। इसका शायद एक कारण हो भी सकता है, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही महंगा है और जो जितने वो हैं वो इतने महंगे नहीं हैं। अच्छा, आँखों का भी हम करवाते हैं, एक आँखों के ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका भी पाँच छः आदमी हमारे को मिलते हैं, हम उनका ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स हर घर से मिला, उसके लिए मैं उससे भी कहता है दिल से शुक्रिया अदा भी करता। और किनका सहयोग रहा सबसे ज़्यादा 5 दिनों के दौरान? 5 दिनों के दौरान सबसे ज़्यादा पंकज अग्रवाल जी हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, इसके मुख्य संरक्षक हैं। उनका बहुत बड़ा सहयोग, उनका बहुत बड़ा दान इस कैंप में चलता है। इसके साथ साथ जो हमने जैसे नया बाजार में कैंप लगाया, उसमें राजेश कुमार, सुनील कुमार जी थे, उनका सहयोग मिला। रोहिणी में जो लगाया, उसमें सचिन शर्मा जी हैं, उनका हमारे को सहयोग मिला। आज यहाँ पर देवेंद्र तायल जी हैं, उनका हमारे को सहयोग मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम जाते रहे हैं, उनका सबका सहयोग मिलता रहा है। ये जो कैंप है, ये इंद्रप्रस्थ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के और हमारे माध्यम से लगाया जा रहा है, जिसको स्पॉन्सर टेलुज इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। इन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आने वाले दिनों में अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट और क्या करने वाले हैं, कहाँ नया कोई कैसा कैंप लगाने वाले हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं? अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट जिस प्रकार से पूरा महादेव पर कांवड़ियों के लिए कैंप लगाता रहा है 25 साल से, इस साल भी 23 तारीख से और 26 तारीख तक हम ये 4 दिन का कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें लाखों शिव भगत कांवड़ियों की सेवा करने का हमारे को मौका मिलता है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से, सभी शिव भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट के लिए दान दें और ट्रस्ट में दिल खोल करके इसमें साथ दें और इसके सहयोग करें। मैं डॉक्टर रवि किशोर, इंद्रप्रस्थ एजुकेशन रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज जे कॉलोनी रोहिणी 26 में आज स्वाइन फ्लू का कैंप लगाया गया है। और ख़ासकर जो यहाँ पर जो कैंप लगाने का श्रेय जाता है अग्रवाल वेस्ट ट्रस्ट को और इंद्रप्रस्थ को,
जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यहाँ के लोगों को अवेयर करते हुए लोगों को उनके लिए ये कैंप लगाया कि ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और इसको इस सारे प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर किया है वो टेलस इंटरनेशनल किया है, और अपनी नेक कमाई से उन्होंने जो ये स्पॉन्सर किया है, हम चाहेंगे उनको कि वो आगे से भी ऐसा करते रहे। और उन्होंने वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र तायल जी, आज यहाँ जो कैंप लगाया गया था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या चीज़ का कैंप था ये? बुखार, खांसी, जुखाम, जो सीजन वाइज बीमारियाँ होती है उसके लिए कैंप था। और काफ़ी यहाँ गरीब लोगों ने इसका कैंप का फ़ायदा उठाया, कम से कम 150 के करीब ये उन्होंने कैंप के वैक्सीन जिन लगी है। काफ़ी गरीब मध्य परिवार से है, कॉलोनी है हमारी ये। तो आपने इसका क्या योगदान रहा आपका? हमने जैसे माननीय लोकप्रिय श्री राजेंद्र मुर्थलिया जी चेयरमैन अग्रवाल वेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के शालीमार से, उनके नेतृत्व में लगा, और डॉक्टर रवि जी है, अपने सभी डॉक्टरों की टीम है, इनका मैनेजिंग व्यवस्था है, थोड़ा बहुत जितना हुआ खाने पीने का, चाय पानी का, नाश्ता का व्यवस्था किया है, हैं, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के सदस्य है, क्योंकि हमारी गरीब कॉलोनियों के लिए 2000 की वैक्सीन फ्री लगा रहे हैं। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद।